एन एफ एन के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फ़र्ज़ करें आप किसी फर्म में, सॉफ्टवेयर हाउस में, ऑफिस में काम करते हैं। आपका ऑफिसर आता है और आपसे कहता है कि मुझे एक फंक्शन बना के दो जो एवरेज कैलकुलेट करे। आप कहते हैं सर इसमें क्या बड़ी बात है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितने वेरिएबल होंगे उसमें, कितने डेटा का एवरेज बताना होगा। तो आपका बॉस कहता है कि मुझे क्या पता, जितने भी हो तुम्हें उससे क्या। तो आप दोनों की इस बात पर लड़ाई होती है। आप कहते हैं सर आप मुझे बताएं कितने फंक्शन वैल्यूज़ होंगे, 3 होंगे 4 होंगे, मैं उसके मुताबिक बनाऊंगा। और आपका बॉस कहता है कि तुम बस बनो तुम्हें उससे क्या। तो यहाँ पर मसला किस बात का आ रहा है, क्योंकि आपको एक फंक्शन बनाना है, उसमें आपने एक आर्गूमेंट पास करनी है, उसमें 2 हो 3 हो 4 हो उसके हिसाब से पास कर सकते हैं आप। तो मैं आपको इसका हल बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना सिखाऊंगा कि जिसमें आप 0 से लेकर 1000 100 जितने भी उसमें वेरिएबल या पैरामीटर्स पास होते हैं आपको उससे गर्ज नहीं। तो हम आज यही फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन को हम सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है वेरिएबल लेंथ का। और इस वेरिएबल लेंथ क्लास में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसमें हम वो अपना ए वी ई आर ए जी इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को। अब ये एरर है क्योंकि हमने ये फंक्शन अब तक बनाया नहीं, तो हम इस फंक्शन को बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एवरेज। अब इसमें एक आएगा डबल, जितने भी आएंगे आएंगे इसमें वो डबल टाइप के होंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 3 आप इसमें डॉट्स देंगे और उसके बाद आप उस वेरिएबल को एक वेरिएबल का नाम देंगे और आप इस तरह ए उसको नाम देंगे। अब हम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डबल टाइप लूँगा जिसको मैं नाम दूँगा ए वी ई एवरेज इक्वल्स 0। ये 0 से शुरू हो। क्या करो, हमारे लिए एक फॉर लूप चलाओ डबल जिसका नाम ओ ए वी जी कॉलन और इसमें ये ए आ जाए। जितनी दफ़ा इसमें हाई मैं लिखूँगा ए वी ई एवरेज प्लस इक्वल्स ए वी जी इसमें प्लस होता जाए, ये चीज़ जो कि हमारे पास आई है कहाँ से, यहाँ से। अब जब ये इसमें प्लस होकर ख़त्म हो जाए तो मैं इसको एस आउट करूँगा, क्या ए वी ई आर एवरेज डिवाइडेड बाय ए डॉट लेंथ, इसको इससे डिवाइड करो। अब हम क्या करते हैं इस फंक्शन को इसमें 1 1 पास करके देखते हैं, शिफ्ट F6। 1 इसका एवरेज है, गुड। इसमें 1 और 1 पास करके देखो, शिफ्ट F6, इसका भी 1 है, गुड। 3 3 4 5 ये पास करके देखो, इनका एवरेज है 2.833333 5। और आ जाके अपने बॉस को बोलो जितने भी अपने वेरिएबल देने हैं दे दो। अब मैं इसके में फिर 2.5 इसका एवरेज है। तो आप इस तरह एक फंक्शन आसानी के साथ बना कर अपने बॉस को दे सकते हैं, या अगर आपका कोई टीचर है क्लास में उन्होंने असाइनमेंट दिया है तो आप इस तरह का एक फंक्शन बनाएं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एवरेज। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डबल टाइप लिया है, आप कुछ भी टाइप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की, आप सिर्फ इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप 3 डॉट्स देखें उस वेरिएबल का नाम जिसमें आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो इस ए में हमारे पास क्या क्या है, जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर पास हो रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे और इस एवरेज में प्लस होके इसके लेंथ के साथ डिवाइड होंगे। और एवरेज यही काम करता है, इसके प्लस होके इसमें डिवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो या ये वेरिएबल लेंथ फंक्शन समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।